नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का चाहे जितना प्रयास कर लिया जाए, ये ऐसा लगता है कि संभव नहीं है। अब देखिए ना, ये बात हमको इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि बिहार के एक जिले से कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो शिक्षा विभाग के रवैये को उजागर करती है। शिक्षा विभाग के कारण ही बिहार में एक बार फिर से स्कूली छात्राओं से गबन का आरोप लगा है और इस आरोप के बाद हेडमास्टर साहब भी रडार पर हैं और साइबर कैफे वाले भी। बिहार में जिस प्रकार छात्राओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, बेटियों को पढ़ाने की और आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, उन्हीं बेटियों से गबन कर लिया गया है। और ये गबन 1,000, 2,000 या 10,000, 20,000 का नहीं है, बल्कि ये गबन लाखों में है और 11 लाख से ज्यादा की रकम बताई जाती है जो शिक्षा विभाग में गबन की भेंट चढ़ी है। अब देखिए, शिक्षा विभाग की इसे लापरवाही ही कहिएगा कि फॉर्म भरने के नाम पर करीब 11 लाख रुपए का गबन हुआ है। साइबर कैफे के साथ हेडमास्टर साहब भी रडार पर आ गए हैं। अब खबर जो है हम आपको विस्तार से बताएं तो मोतिहारी जिले से जुड़ी है और सरकार के द्वारा जहां बेटियों को बढ़ाने की बात कही जाती है, वहीं मोतिहारी का शिक्षा महकमा बेटियों के भविष्य को अंधकारमय करने पर तुला है। कस्तूरबा विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही से करीब 1500 छात्राओं का भविष्य अधर में लटका है। और ये सब क्यों हुआ है, किस प्रकार का गबन हुआ है और किस प्रकार इस मामले को लेकर के पुलिस के पास जाया गया है, ये तमाम जानकारी आपको एसपी साहब दे रहे हैं। सर, रसौल थाना अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें हेडमास्टर साहब के आवेदन पे केस दर्ज हुआ है। इसमें बताया गया है कि स्कूली बच्चों का फॉर्म भरने के लिए चालान दिया गया था, साइबर कैफे वाले ने चालान जमा नहीं किया और कुल 11,11,000 रुपये का गबन किया है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को पकड़ा गया है और उनका एक कंप्यूटर सीज किया गया है। इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग हेडमास्टर साहब की भूमिका को भी जांच कर रहे हैं क्योंकि 3 सितंबर को फॉर्म जो शुरू करने की तिथि थी और 11 नवंबर को अंतिम तिथि थी, तो इस दौरान एक लंबा समय है, इसके बाद भी ये पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है और तो इस संबंध में अन्य बिंदुओं पर हम जांच कर रहे हैं। तो सुना आपने, एसपी कांतेश कुमार मिश्र बता रहे थे और तमाम चीजें कह रहे थे कि किस प्रकार उनके पास ये मामला आया और क्या मामला है। अब देखिए, इसमें हम आगे बात करें। कस्तूरबा विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही से करीब, जैसा हमने आपको बताया, 1500 छात्राओं का भविष्य संकट में है। स्कूल की लापरवाही से ये सभी छात्राएं अगले साल होने वाले मैट्रिक इंटर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगी। दूसरी तरफ जिले में बैठे शिक्षा पदाधिकारी प्रधानाध्यापक की लापरवाही के कारण फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाने के बाद शोकॉज करने की बात कर रहे हैं। मामला कस्तूरबा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रक्सौल का है, जहां स्कूल के हेडमास्टर और साइबर कैफे की लापरवाही से, या फिर यूं कहें कि मिली भगत से, 743 मैट्रिक, 210 इंटर के छात्राओं का फॉर्म नहीं भरा गया। वहीं 643 नौवीं के छात्राओं के पंजीकरण नहीं हो पाए हैं। इनमें करीब 11,15,558 रुपए की गड़बड़ी की गई है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा स्कूल के बगल में मनोकामना साइबर कैफे को फॉर्म भरने और पंजीकरण के लिए नगद पैसे दिए गए, लेकिन साइबर वाले ने फॉर्म भरने और पंजीकरण के बदले पैसे को खर्च कर दिया। दूसरी तरफ कस्तूरबा स्कूल के हेडमास्टर कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। तो ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले पर अब जो है विभाग जांच करेगा या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन मामला पुलिस के पास पहुंचा है। और जिस प्रकार एसपी जानकारी दे रहे थे, कह रहे थे कि पूछताछ के दायरे में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हेडमास्टर साहब भी आएंगे और वो साइबर कैफे वाला भी आएगा जिसे तमाम काम दिए करने के लिए कहा गया था। फॉर्म भरने के नाम पर छात्राओं से पैसे तो लिए गए लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ, जिसके चलते 11 लाख से ज्यादा की रकम गबन की भेंट चढ़ गई। और इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही शिक्षा विभाग की है, कहीं ना कहीं लापरवाही और मिली भगत जो है वो हेडमास्टर साहब की भी है। और इसी बात की जांच करने के लिए, हालांकि हम इस बात पर मुहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हेडमास्टर साहब चूंकि शक के दायरे में है, रडार पर है, तो उनसे भी पूछताछ होगी और साइबर कैफे वाले को भी रडार पर लिया गया है। देखते हैं ये मामला कितना बड़ा होता है और इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। और सबसे अहम सवाल ये कि उन छात्राओं के भविष्य का क्या होगा जिनका एक साल बर्बाद होने के कागार पर खड़ा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।